बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना दुश्वार हो गया था, लेकिन मोदी सरकार ने बांग्लादेश को ऐसे तेवर दिखाए कि कल तक भारत आने के लिए बेचैन हिंदुओं ने पूरे ढाका को भगवा लैंड बना दिया। अल्पसंख्यक हिंदुओं के तेवर देख कट्टरपंथियों के होश उड़ गए और सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपील करनी पड़ी कि हिंदुओं के साथ हिंसा तुरंत बंद की जाए। यही वजह रही कि जो हिंदू पहले भारत आने को बेताब थे, अब वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ढाका की सड़कों पर उतर आए हैं। हसीना सरकार के खिलाफ अचानक हिंसक हुआ ये विरोध प्रदर्शन उनके देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों द्वारा हाईजैक किया गया, जिन्होंने मुल्क के अल्पसंख्यकों और मुख्यतः हिंदुओं को निशाने पर लिया। इन प्रदर्शनकारियों ने कई मशहूर कलाकारों के घरों तक में घुसकर लूटपाट और मारपीट की। इसको लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की थी और विदेश मंत्रालय ने इस पर नजर बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। अपने समुदाय के लोगों पर जारी हमलों के विरोध में लाखों हिंदू बांग्लादेश की राजधानी ढाका और चटगांव की सड़कों पर उतर आए। इन हिंसा का विरोध करते हुए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों और आश्वासन की मांग है। प्रदर्शनकारियों के पास तख्तियां थीं जिन पर लिखा था कि हिंदुओं को भी जीने का अधिकार है। कुछ ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर चटगांव में भी रही। यहां भी बड़ी संख्या में हिंदू प्रदर्शनकारी स्थानीय अधिकारियों और वैश्विक संगठनों से सुरक्षा की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे और इसके साथ ही लंदन और फिनलैंड समेत दुनिया के कई हिस्सों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं, जिसके चलते अंतरिम सरकार बैकफुट पर आ गई। पूरी तरह से आगे रहे हैं क्या? आप कुछ परिवारों को नहीं बचा सकते? आपको कहना चाहिए कि कोई भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सकता है। वे मेरे भाई हैं, हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम साथ ही रहेंगे। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस मुद्दे पर एक्टिव थे। हिंदुओं की हत्या और उनके साथ जातियों का मुद्दा विदेश मंत्रालय में भी उठाया गया था। इतना ही नहीं, पड़ोस में अंतरिम सरकार बनते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पूरे विवाद पर कुछ बोला था। उन्होंने सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई तो दी, लेकिन हिंदुओं के साथ हो रही प्रताड़ना का मुद्दा उठा दिया था। इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक कमेटी तक बना दी, जो कि बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चर्चा करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ लगने वाली सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि भारत में असामाजिक तत्वों के साथ ही बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार हो रहे सैकड़ों हिंदू नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर आ गए थे। ये सभी अलग अलग नारे लगाकर भारत सरकार से अपनी जान बचाने के लिए शरण की अपील कर रहे थे। अब दिलचस्प बात यह कि जो प्रताड़ित बांग्लादेशी हिंदू कल तक किसी भी कीमत पर भारत में दाखिल होना चाहते थे, उनमें अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वे बांग्लादेश में ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। राजनीतिक और कूटनीतिक मामले के विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादति का मुद्दा भारत ने वैश्विक पटल पर उठाया और इसके अलावा बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ का वीडियो सामने आए, जिसके बाद 3 दिन पहले बनी अंतरिम सरकार के लिए वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बढ़ गई हैं।